तो अभी हम लोग आ गए हैं ये भाईजान के रूम में और ये यहाँ पे रहते हैं 8 लोग और 10 बेड डले हुए हैं। 10 बेड। और जैसे लोग सोचते हैं भाई दुबई जा रहे हैं अब तो बहुत पैसा कमा लेंगे, अमीर हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है यहाँ पे आने के बाद। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा उमल क्वेन। और ये जो उमल क्वेन है ये यूएई का एक एमिरेट्स है और दुबई से 1 घंटे की ड्राइव है, जो कि हम लोग आज 1 घंटा ड्राइव करके पहुंचे हैं। तो अभी मैं हूँ यूएई में और यूएई को दुबई के नाम से जाना जाता है। यूएई में है ना, मतलब 7 एमिरेट्स हैं, मतलब जैसे इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट होते हैं ना, तो यहाँ पे मान लो कि 7 स्टेट्स हैं। अभी यहाँ पे उमल क्वेन में चलते चलते एक भाई मिले, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तैमूस अली। तैमूस, और आप कहाँ से हैं? मैं बांग्लादेश से आया। बांग्लादेश से हैं, तो कितना साल हो गया आपको यहाँ रहते हुए? मैं 30 साल हो गया था। 30 साल से काम कर रहे हो, तो क्या काम करते हैं आप? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम, जिधर मिल जाए थोड़ा रिपेयरिंग करते हैं। अच्छा, तो आज छुट्टी था आपका? जी छुट्टी, अभी 1 महीने काम नहीं है। 1 महीने से काम नहीं है? जी सर। तो घर पे ही हैं आप? जी सर। तो आपके मतलब बीवी बच्चे सब यहीं रहते हैं? जी जी सर, मुल्क में। मुल्क में। तो ये जो एरिया है, जैसे लोग सुनते हैं कि भाई दुबई तो बहुत लग्जरी है यूएई, जी सर, बट ये जैसे ये एरिया तो बिल्कुल अलग है। जी सर, ये एरिया बहुत बना से हम लोग का मुल्क का सेम सेम है, कंट्री अच्छा, आदमी लोग अच्छा है अपना मुल्क का सेम सेम। मतलब जैसे आपके मुल्क से लोग आते हैं वो ये सोचते हैं भाई आप तो दुबई में रहते हो, बहुत पैसा होगा आपके पास, है ना? जी जी। बट ये यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं कि भाई ऐसा सेम नहीं है। जी सर। मतलब जो लोग लेबर के लिए आते हैं वो इतना पैसा नहीं कमा पाते ना? जी सर, नहीं। तो 1 महीने से आपको काम नहीं मिल रहा? जी सर। अच्छा, तो आप 30 साल से मतलब आप कंस्ट्रक्शन का ही काम कर रहे हैं? जी सर, जी सर। अच्छा जी, काम का ढूंढता है, मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, बिल्कुल मिलेगा काम, मेहनत करने वाले को काम जरूर मिलता है। जी सर। अच्छा, जैसे ये यहाँ पे ये जो बिल्डिंगें बनी हुई है, आप लोगों को मैं घर दिखाता हूँ। यहाँ जो ये देखो, ये सब बहुत टूटे फूटे से हैं, ये ऐसे क्यों घर हो रखे हैं, लोग छोड़ते क्यों चले गए? जी सर, इसका गेट गया खलास, अभी ये ऊपर पता जगह छोड़ दो खलास, अभी आदमी चला जा रहा है। अच्छा, चले जा रहे हैं? जी सर, नया नया बिल्डिंग बना के दिया, उधर जाओ। अच्छा, तो नया बिल्डिंग बना के उधर दे दिया? जी सर। तो अभी आप कितना किराया देते हो? हम उधर देते हैं महीना में 500 दिरहम। 500 दिरहम देते हो आप खुद देते हो या आपकी कंपनी? अच्छा, आप तो बता रहे हो कि कंपनी तो आप कर नहीं रहे अभी, तो आप खुद देते हो? जी सर। तो आप मतलब 1 महीने से आपने बोला जैसे काम नहीं मिला, तो जो नए आजकल लेबर वगैरह आ रहे हैं जो आते हैं काम करने के लिए, किधर मिलेगा? बहुत मुश्किल है। तो काम अपना आदमी होगा, ठीक है सर, काम मिलता है। अच्छा, मतलब जैसे लोग सोचते हैं भाई दुबई जा रहे हैं अब तो बहुत पैसा कमा लेंगे, अमीर हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है यहाँ पे आने के बाद। मतलब ये भी एक यूएई का पार्ट है, मतलब जैसे लोग यूएई को ज्यादा नाम से नहीं जानते, सब दुबई के नाम से जानते हैं। पूरा दुनिया दुबई का नाम से जानते हैं, पूरी दुबई के नाम से जानते हैं। जैसे कि भाई बोल रहे हैं यूएई बोलोगे किसी को समझ नहीं आएगा, और ये एरिया का नाम क्या है? उमल क्वेन। उमल क्वेन, उमल क्वेन बोलोगे किसी को नहीं पता चलेगा, बट बोलोगे कि दुबई में है तभी पता चलेगा। बट ये है उमल क्वेन का, ये एक छोटा सा गाँव है कि ये सिटी है? सिटी है। सिटी है, तो इसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। अभी नया सिटी बना रहा है, जो सलमा में नया नया सिटी हो रहा है, बहुत अच्छा सिटी हो रहा है, अभी नया नया कंडीशन आया। अच्छा, मतलब पहले यहाँ लोग रहते थे वो छोड़ के चले गए? जी सर, बहुत अच्छा वाला बिल्डिंग है। तो ये देखो यार, पूरा छोड़ के चले गए हैं यहाँ पे, बड़ा अजीब लग रहा है। नहीं तो रात को तो डर जाते होंगे। जी जी, ये वाला भी देखते हैं सर, मेरा घर में आपको पानी पिलाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल आपके घर चलते हैं। ये देखो यार, ये मैं बिल्डिंग के अंदर आ गया हूँ, जो ये बिल्डिंग में पहले लोग रहते थे। तो कलरफुल बिल्कुल रूफ की हुई है, और सब सामान वगैरह ऐसे ही पड़ा हुआ है यहाँ पे, बैग वगैरह बहुत सारी चीजें। और ये कैसा है, ये लिखा क्या हुआ है वहाँ पे? अरबी में लिखा है? अरबी नहीं आती आपको? काफी लंबा टाइम हो गया आपको तो, 30 साल भी ऐसा ही मालूम है, लेकिन ये मुल्क में आन कानून है, बिल्कुल अच्छा है। अच्छा, कानून बिल्कुल अच्छा है, किसी का कोई मुश्किल नहीं आएगा। सब आदमी अच्छा से पैसा कमा करो, आराम से खाओ, कोई मुश्किल नहीं। अभी जैसे आप पैसे नहीं कमा रहे तो कौन मदद करता है आपकी? कौन मदद करता है? अल्लाह मदद करता है, कोई अरबी हम लोग को थोड़ा थोड़ा हेल्प करता है। अच्छा, अरबी हेल्प कर देते हैं आपकी, जो हमने 100-200 रुपया। तो अभी जैसे भाई बता रहे एक महीने से काम नहीं कर रहे हैं, इनके जो फादर है वो भी काम नहीं कर रहे, बट यहाँ पे जो अरबिक लोग है ना वो इनकी हेल्प कर देते हैं। तो वो यहाँ पे आते हैं हेल्प करने के लिए? जी सर। अच्छा, तो मतलब वो आके मतलब सीधा पैसे देते हैं, किराए वगैरह भरते हैं? किराया नहीं देता है, किराया तुम काम करेगा। अच्छा, बट वो पैसे देके चले जाते हैं कि हेल्प के लिए, किसी का नसीब में मिलेगा, किसी का नसीब में नहीं तो चला जाएगा। अच्छा अच्छा, तो वो कब आते हैं? आता है। अच्छा अच्छा, तो ऐसे भाई का नसीब में है,
अच्छा, जिसके जो भी आया जो मिला उस टाइम उसको दे गए। चलो बढ़िया है। तो इमारत अच्छा, नंबर वन कानून, नंबर वन कानून का लिए बिल्कुल अच्छा है, कोई डर नहीं है, मुश्किल नहीं है। ये तो बहुत अच्छा है, हम भी जैसे घूम रहे हैं। ये तो मैंने देखा बहुत सेफ है एकदम, नंबर वन नंबर वन है, नंबर वन कानून बिल्कुल अच्छा है। आदमी का खाना मना कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल जो कुछ मिलता है अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आप कहाँ रहते हैं? उधर जाएगा साथ क्या देखेगा बाबा को। सो ये है जो भाईजान का घर है यहाँ पे, और अभी अपने घर में लेके आए हैं। ये है किचन, यहाँ पर एक दो तीन चार चार पाँच, ठीक है भाई, बड़ा अच्छा खाना बना रहे, स्मेल बहुत अच्छी आ रही। क्या बना रहे हो भाई? ये आलू। हाँ हाँ आलू मूला। आलू मूला भैया देख लो यार, क्या जबरदस्त खाना बन रहा है। और ये क्या राइस है? इसमें चावल है, चावल यहाँ पे चावल है, और ये यहाँ पे है। चावल दिखा दो यार एक बार, जरा सा गरम है, गरम है। ओहो यहाँ पे बन रहे हैं चावल, और यहाँ पे बन रही है आलू की सब्जी, और यहाँ पे फ्रिज भी रखा हुआ है पूरा। ये देखो फ्रिज में सब सामान रखा हुआ है। अब ये जैसे फ्रिज में सामान रखा हुआ है, ये एक ही बंदे का है अलग अलग बंदों का है? अलग अलग का है, तो पता कैसे चलता है? नाम लिखते हो है? हिंदी पूरा मालूम नहीं, हिंदी मालूम नहीं है तो भाई को। आप कहाँ से हो, कौन सा कंट्री? बांग्लादेश। अच्छा बांग्लादेश, आप भी बांग्लादेश से हो। तो अभी हम लोग आ गए हैं ये भाईजान के रूम में, और ये यहाँ पे रहते हैं आठ लोग और दस बेड डले हुए हैं, दस बेड। और आप लोग बोल रहे हैं कि लोग आते जाते रहते हैं? नहीं, आएगा जाएगा। अच्छा नहीं रहता है यहाँ पे। एक चाचा जान है, आपका नाम क्या है? राशिद अली। राशिद अली, तो यहाँ पे हैं जो चचा जान है, ये इनके बेटे हैं जो अभी हमें बाहर मिले थे, वो लेके आए हैं हमें यहाँ पे। तो आपको 40 साल हो गए बता रहे थे, तो 40 साल से क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं, मुल्क पानी है ना, गोर का ऊपर पानी है। अच्छा क्या खाएगा मुल्क से, क्या इधर रहना बनता है, तो फिर इसीलिए आप यहीं पर ही रह रहे हैं। खाना की चीज नहीं है बांग्लादेश में, खाने की चीज नहीं है, तो वहाँ पे दिक्कत है खाना का चीज बिल्कुल नहीं, सब पानी से गया। अच्छा क्या नाम है भाईजान आपका? अब्दुल, अब्दुल शुक्र। तो ये यहाँ पे अब्दुल जी अपने भाई, आप कब से रह रहे हो यहाँ पे? दूसरा मुझे कर रहे हैं अभी, अभी ये रूम में ज्यादा तक नहीं हुआ कम से कम। मतलब ये यहाँ पे यूएई में कितना टाइम में? कम से कम 24 साल। 24 साल से हो गए हैं, और एक ही आप एक ही काम कर रहे हैं सीधा वही? हाँ, पेंटिंग का, पोर्सलिन के डेकोर का। और कितना किराया कितना है यहाँ का, जैसे ये पूरा 2500 है? मतलब 2500 रूम का है, पूरी बिल्डिंग का है? पूरी बिल्डिंग का, पूरा बिल्डिंग का है। पूरी बिल्डिंग, ये जो पूरी बिल्डिंग है इसका पूरा जो किराया है वो है 2500 दिरहम। तो आज जो भी रेट चल रहा है वो आप लगा लो। और इस रूम का कितना किराया है? 500। तो यहाँ पे 500 रुपए इसका किराया है। पानी बिजली अलग है? अच्छा 1000 हो जाता है मिला के। तो यहाँ पे एसी चल रहा है, ये यहाँ पे लगा हुआ है एसी इस तरफ में, और ये है स्टोरेज रूम इनका, वहाँ पे बाथरूम है, और बाहर भी बाथरूम वगैरह, वो अभी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। एसी ठंडा नहीं देता है, गर्म देता है। अच्छा गर्म दे रहा है अभी, मतलब बाहर से हम अंदर आए तो थोड़ा ठंडा लग रहा था, बट अभी जो एसी भी अंकल भी सही बोल रहे हो, पूरा टूटा हुआ है एसी। और तो एसी आप लोगों को खुद लगाना पड़ता है? अच्छा ये चक्कर है। तो एसी तभी, मतलब देख लो यार एसी भी है ना, अगर आप रूम में आओगे तो सबको मिलके एसी लगाना पड़ता है। ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो आज से मैंने कुछ महीने पहले बनाई थी, जब मैं यूएई गया था। तो यूएई का ये एक एमिरेट है, यूएई में ना टोटल 7 एमिरेट्स है, जैसे इंडिया के अंदर स्टेट्स है ना, तो वैसे ही वो वहाँ पे 7 एमिरेट्स बोले जाते हैं। उनमें से जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है दुबई। दुबई का नाम सुनते ही लोगों को पता चल जाता है मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग हो सकते हैं यूएई के नाम से ना जाने, मगर दुबई के नाम से, जैसे उन जनाब ने भी वीडियो में बताया कि जब दुबई बोलते हैं तो लोग समझ जाते हैं। तो जब मैं यूएई गया, तो मैं आज से पहले भी कई बार जा चुका हूं, तो मैंने इस तरीके की लोकेशन देखी थी। तो इस बार मेरे माइंड में था कि यार ये लोकेशन मुझे जरूर दिखानी है, क्योंकि मोस्टली लोग जो ट्रैवल करते हैं ना वो जाते हैं सिर्फ मतलब जो फेमस प्लेस है। और आप किसी भी कंट्री में जाओगे, जितने भी फेमस प्लेस है ना, वहां पे आपको रियलिटी देखने को नहीं मिलेगी।
आपको वहां जाना होगा जहां पे नॉर्मल लोग रहते हैं। जैसे मैं रहता हूं अमेरिका में और मैं अमेरिका के 50 स्टेट्स में ट्रैवल कर रहा हूं, तो आप लोगों ने मेरी बहुत बार वीडियो के अंदर देखा होगा रियलिटी जब मैं अमेरिका की दिखाता हूं कि कितने होमलेस लोग यहां पे रह रहे हैं, किस तरीके के से घर हैं यहां पे, कैसे लोग रहते हैं, सब चीजें मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। तो मैंने सोचा ये दुबई का भी मैं आप लोगों से शेयर करता हूं, क्योंकि कोई भी है ना जब भी वहां पे ट्रैवल कर रहा होता है ना, फोटोज वगैरह ले रहे होते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो आपको बेस्ट लोकेशन दिखाएं, तभी आप लोग खुश होंगे। बट मैंने सोचा कि नहीं यार, रियलिटी भी आप लोगों से शेयर करना बनता है। इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, उसमें बहुत ही अच्छा सरप्राइज है आप लोगों के लिए। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो में इतना था। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक करना मत भूलो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। फिर जल्द मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, बिलीव इन योर सेल्फ एंड मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। आई लव यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।